जिला तरन तारण के अधीन पेंदे थाना वलटोहा विच कुछ दिन पहला अमित कुमार पुत्र राम कुमार वासी एवरनी थाना बलदेव जिला मथुरा उत्तर प्रदेश फील्ड अफसर भारत फाइनांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड मल्लांवाला जो वलटोहे तो किश्तों के पैसे इकट्ठे करके मल्लांवाले नूं आ रहा सी ते दो अणपछाते व्यक्तियों वल्लों मोटरसाइकिल ते सवार होके मूंह बन के अमित कुमार नूं रोकिया ते हथियारां दी नोक ते 1,81,000 रुपए अते एक बायोमैट्रिक अते एक टैबलेट खोलण दा मामला सामने आया सी जिस दे संबंध विच पुलिस वल्लों मुकदमा नंबर 99 दर्ज कर तफ्तीश जारी कर दित्ती गई सी। पुलिस वल्लों पूरे मामले की डूंघाई नाल जांच की गई। इस संबंधी जानकारी दिंदे हुए DSP राजवीर सिंह ने दस्सिया कि मामले की तफ्तीश दौरान जगराज सिंह उर्फ जग्गा पुत्र सवरन सिंह कौम मजबी वासी वलटोहा गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदर पुत्र सरजीत सिंह गुरसेवर सिंह पुत्र शिंदा वासी वलटोहा रविंदर सिंह उर्फ काका पुत्र रशपाल सिंह वासी वलटोहा बलदेव सिंह पुत्र रशपाल सिंह वासी वलटोहा परमिंदर सिंह उर्फ भिंदर पुत्र लखविंदर सिंह वासी वलटोहा खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दो दोषियों को गिरफ्तार करके उन्हां पासों 20,000 रुपए बरामद कर ले गए हैं। रहिंदे दोषियों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। एक अमित कुमार पुत्र राम कुमार सिंह वासी मथुरा उत्तर प्रदेश का यह फील्ड अफसर भारत फाइनांस कंपनी है इनकोलॉजी लिमिटेड मल्लांवाला इन्हां दी ब्रांच है उत्थे लगे हुए सी। रूटीन दे विच जिहड़ा सारे पिंडां दे विच जिहड़ी आ इह मतलब रुपईआं दी लोकां जिहड़े इन्हां दे मैंबर बणाए उन्हां को कलैक्शन करदे मिती 15-6-20 नूं ही पिंड वलटोहा विच इह मतलब लोकां दे वक्त वक्त जिहड़े इन्हां दे मैंबर सी उहनां तों कलैक्शन करके करीब 1:30 जिहड़ा इह वापस वलटोहे तों मल्लांवाले नूं जा रिहा सी झाड़ू साहब वाला गुरद्वारा लंघ के ते अगों जिहड़े आ दो नौजवान जिहड़े आ मोटरसाइकिल ते आए जिन्हां ने इहदे जिहड़ा बैग पाया सीगा उह इन्हां ने जबरदस्ती खोह लिया जिहदे विच इहने दस्सिया भी 1,81,000 ते 225 रुपये एक बायोमैट्रिक ते एक टैबलेट सी ते जिहदे संबंध दे विच जिहड़ा इहदे बयानां दे आधार दे उत्ते मुकदमा नंबर 99/15/6/2020 JRM 379 BIPC 25/18 थाना वलटोहा विखे दर्ज करके यदि अपने थाना वलटोहा के SHO साहब इंस्पैक्टर सरदार बलविंदर सिंह होना ढंगाई ना जी तफ्तीश की है तो इन्हों फिर मुखबर ने अतलाह दी कि जी खूह है ये जगराज सिंह उर्फ जग्गा पुत्र सवरन सिंह कौम मजबी वासी वलटोहा गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदर पुत्र सरजीत सिंह कौम मजबी वासी वलटोहा गुरसेवक सिंह पुत्र शिंदा सिंह वासी वलटोहा रविंदर सिंह उर्फ काका पुत्र साल सिंह वलटोहा बलदेव सिंह पुत्र शपाल सिंह वासी वलटोहा ने इन्होंने सारे ने रल के की है तो इन्हों जो मुकदमे नामजद किया गया तो बाद 2 तरीक को जोड़ा वा परमिंदर सिंह उर्फ भिंदर पुत्र लखविंदर सिंह वासी वलटोहा भी ये वारदात में शामिल होना पाया होने करके इन्हों उत्त मुकदमे नामजद किया गया वा तो 2-7 कल जरा वा ये उक्त मुकदमे में जगराज सिंह उर्फ जग्गा तो गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदर जरा वा वलटोहा कैंचियां गेट लागों जरा वा इन्हों गिरफ़्तार किया गया वा तो इन्हों को जी ढंगाई पुछगिछ की गई कि इन्हें जरा 1,80,000 रुपया से 6 जने ने जोड़ा सगा पिछों 20,000 तो बाकी किसी ने वह अपने को रखे से इन पिछों 20,000 रुपया जरा लुट हुई जोड़े रुपये आ वह इन्हों को बरामद हो गया जोड़े तेजे सामने जोड़े पार्सल तैयार किए गए तो इन दी गिरफ़्तारी पाई गई है इन्हों जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट पट्टी से पेश किया जाके इन्हों को रिमांड लैके होर ढंगाई ना तफ्तीश की जाएगी कि इन्होंने होर कि वारदात की सन या इन्होंने होर कि वारदात कर लिया वा और इन जे बाकी रेंदे साथी आ वह भी इन्हों को पुछगिछ करके उन्होंने टिकाण उत्ते रेड करके उन्होंने जल्दी तो जल्दी गिरफ़्तार किया जाए। इन्हों से सर कोई पहला भी मुकदमा है जी? हाँ जी, ये तफ्तीश के वेरीफाई कर रहे हैं, इन्हों का रिकॉर्ड सारा कढ़ा रहे हैं। तरन तारण तो गुरमीत सिंह ਅਤੇ ਅਮਰ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਓਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
तो मेरे बाल जिहड़े गंजपन पैना शुरू हो गया सी दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।